बॉलीवुड डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर खोला बहुत बड़ा राज। अमिताभ बच्चन अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं इस खास मौके पर अमिताभ बच्चन को चारों तरफ से ढेर सारी बधाइयां भी मिल रही हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर ने भी बिग बी को ढेर सारी बधाइयां दी है। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अमिताभ बच्चन की फोटो साझा करते हुए उनके लिए एक बड़ी सी पोस्ट भी लिखी है। इस पोस्ट में करण जौहर ने बताया है कि वो अमिताभ बच्चन को देखते हैं तो उनके पैर जरूर छूते हैं, भले ही उनके पैंट बहुत टाइट क्यों ना हो। करण जौहर ने बताया कि वो अमिताभ बच्चन को अमित अंकल कहकर बुलाते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि करण जौहर ने अमिताभ बच्चन के लिए अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुझे अमिताभ बच्चन के आसपास रहकर ही बढ़ने का मौका मिला है। मुझे बताया गया था कि सम्मान के तौर पर मुझे उनके पैर छूने हैं, लेकिन ये चीज धीरे धीरे मेरे लिए स्वाभाविक हो गई। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, भले ही मुझे मालूम हो कि मेरी पैंट बहुत टाइट है और इसका नतीजा काफी बुरा हो सकता है। मैं उन्हें अमित अंकल कहता हूँ और वो हमेशा ही मेरे लिए एक पिता की तरह है। अमिताभ बच्चन मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। वही उनके जैसा कोई व्यक्ति और कोई लेजेंड दोबारा नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मेगा मूवी स्टार की जगह कमाई है। अमित अंकल को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वही हम आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में जन्मे अमिताभ बच्चन अपने जीवन में एक एक्टर ही नहीं बल्कि इंजीनियर बनना चाहते थे। इसके साथ ही साथ उन्हें एयरफोर्स में भी जाने का काफी शौक था। आज बॉलीवुड के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करियर की शुरुआत में 12 असफल फिल्मों से भी गुजरना पड़ा था। खास बात तो ये है कि 77 की उम्र में भी बिल्कुल फिट दिखने वाले अमिताभ बच्चन का हेपेटाइटिस बी की वजह से करीब 75% लीवर खराब हो गया था। इस बात का खुलासा खुद बिग बी ने कौन बनेगा करोड़पति के 9वें सीजन में किया था।